हम यहाँ क्या देखने के लिए, हमारा बच्चा 3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा हमारा। नहीं, पेरेंट्स में रुकने नहीं देते थे यहाँ पे किसी को, साफ मना कर देते यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। दिल्ली के विवेक विहार के एक बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेंटर के नीचे वाले फ्लोर पर कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का अवैध काम चलता था। हादसे के वक्त भी वहां भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे। आग लगने से एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे और लपटें तेजी से फैलती गईं। हॉस्पिटल में रखे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ है। सेंटर के मालिक नवीन चिंची के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहदरा के डीसीपी ने बताया है कि 25 मई की रात करीब 11:30 बजे विवेक विहार पुलिस स्टेशन को न्यूबॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने की पीसीआर कॉल आई थी। सेंटर में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे, उन सभी को रेस्क्यू करके दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टरों ने 6 बच्चों को मृत घोषित कर दिया, फिर एक बच्चे की 26 मई की सुबह यानी आज मौत हो गई। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस हादसे में कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कई सारे रिश्तेदार और पेरेंट्स हैं जो अपने नवजात बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहे हैं। ऐसे एक पिता से रिपोर्टर अरविंद ओझा की बात हुई, सुनिए उन्होंने क्या बताया। आपका बच्चा? हाँ जी, हमारे बच्चा था, कल देख के गया, ठीक था। वो पता चला कि कल काम ले जाएंगे और कोई इन्फॉर्म नहीं दिया हमें कि अस्पताल में आग लग गया। आपका बच्चा कहाँ है? अभी यहाँ नहीं गया, जीटीबी में है हमारा बच्चा, मिल नहीं रहा। हम यहाँ गया देखने के लिए, हमारा बच्चा 3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा हमारा, 4 दिन का बच्चा सर हमारा। अच्छा, हाँ। तो कोई हॉस्पिटल की तरफ से बताया? कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया सर, हमें सुबह पता चला 7 बजे, तो फिर हम आए थे। अभी हम थाने से गए, मतलब इतना कुछ खास नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जाके ईस्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में, उस पर जाके आप वेरीफाई कीजिए पहले अपने बच्चे को कि आपका है कि नहीं है, वहाँ पे आके फिर हमें बताइए। हाँ जी, तो आपका बच्चा यहाँ एडमिट है आपको? अभी पता नहीं है सर, अभी जा रहे हैं, अभी देखा नहीं है, अब पता लगेगा, जाके बताएंगे। हाँ जी, तो जब बच्चा यहाँ पर एडमिट था तो क्या उसके साथ कोई था नहीं, कोई पेरेंट्स? नहीं, पेरेंट्स में रुकने नहीं देते थे यहाँ पे किसी को, साफ मना कर देते यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ बच्चा ही रहेगा, आप अपने घर जाइए। यहाँ पे बैठने भी नहीं देते थे, वहाँ पे साफ भेज देते थे घर पे। तो 20 तारीख से उसके पास कोई? हम आते थे डेली, राउंड अप करने आते थे, लेकिन वहाँ पे किसी को रुकने नहीं देते थे। अनीता नाम की महिला का 15 दिन का बच्चा सेंटर में भर्ती था। उन्होंने बताया कि उन्हें सेंटर की तरफ से हादसे की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। डॉक्टर ने आज बच्चे को डिस्चार्ज करने के लिए कहा था। वो हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि बिल्डिंग में भयंकर आग लगी है। उनका बच्चा कहाँ है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बेबी केयर सेंटर के सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले अश्विनी ने बताया कि ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि उनकी गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए और घर के कांच भी टूट गए। इस हादसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताया है। उनके एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया, अनेक बच्चों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता पिता एवं परिजनों को ये आघात सहने की शक्ति दे। मैं इस घटना में घायल हुए अन्य बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। पीएमओ ने हादसे में हताहत हुए बच्चों के पेरेंट्स को मुआवजा देने की घोषणा करी है। एक्स पर पोस्ट शेयर करके लिखा है, दिल्ली के हॉस्पिटल में आग लगने की घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने मुआवजा देने की घोषणा करी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आग लगने की घटना से हृदय विदारक है। इस अविश्वसनीय कठिन समय में मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। घटना पर शोक व्यक्त करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लगने की यह घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है उनके साथ हम खड़े हैं। घटनास्थल पर सरकार और प्रशासन के अधिकारी घायलों को इलाज मुहैया कराने में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जाँच की जा रही है और जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, वो सुनिए। मेरी फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई, और इसके अंदर न्यूबॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात नहीं हो पाई है, मैं सुबह से कई बार उनको कॉल किया
भी फोन नहीं उठा रहे हैं, मगर हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी परिवार के अंदर नवजात बच्चा, नव शिशु आए तो पूरे परिवार में उसकी खुशी होती है, उल्लास होता है। ऐसे शिशु का इस तरीके की घटना में गुजर जाना मुझे लगता है परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है, और हमारे कोई भी शब्द सहानुभूति जो है उन परिवारों के लिए कम रहेंगी। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं और इसके अंदर दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इस तरीके की घटना करने से पहले, नेग्लिजेंस करने से पहले 1000 बार वो आदमी, वो अफसर सोचेगा। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।